Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. तो guys बहुत time हो गया हम लोगों ने अपने channel पे Q&A session नहीं रखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना comment section में थोड़ा घुसा जाए, जो कि मतलब comments का answer mostly लोग ढूंढना चाह रहे हो, ऐसे questions जिसका answer mostly लोगों को चाहिए हो। तो मैंने कुछ 5-6 questions pick up कर रहे हैं और उसका मैं simply answer देने वाला हूँ। बिल्कुल straight forward video होगी, questions पढ़ेंगे उनका answer देंगे, ये हमारी Q&A session होगा। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गाइस हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई इंग्लिश में होती है या हिंदी में। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको शो भी कर दूंगा, आपने किसने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि होटल मैनेजमेंट में जो अभी कॉलेज में आपकी पढ़ाई होगी वो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा सब या हिंदी में। नॉट एज अ लैंग्वेज, यानी कि हिंदी में सब लिखा होगा, यानी कि जो कॉलेज में टीचर आपको बोल रहे होंगे कुछ बोल के पढ़ाएंगे तो वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो गाइस इसका आंसर है सबसे पहले तो कि जो लैंग्वेज होने वाली है वो मिक्स होने वाली है, वो लैंग्वेज इंग्लिश भी होगी और वो लैंग्वेज हिंदी भी होगी। तो ऐसे नहीं है गाइस कि अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप टीचर से फैकल्टी से बोल सकते हो कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज आप मुझे थोड़ा हिंदी में समझा दो, वो आपको हिंदी में समझा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साल है, 3 साल में अच्छे से आप समझ सकते हो सारी चीजें। अगर गाइस हम लोग ये बोलो जो सिलेबस हमारा इंग्लिश में होता है हिंदी में होता है तो वो आपका प्रॉपर इंग्लिश में होने वाले होंगे। जो सारे आपको नोट्स मिलेंगे वो सब इंग्लिश में होंगे, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, सारे नहीं, एनसीएमसीटी का एक सब्जेक्ट है हिंदी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे टाइम पे तो था, आई होप कि अभी भी एनसीएमसीटी का ये हिंदी वाला सब्जेक्ट हो। जो लोग कॉलेज में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना अगर एनसीएमसीटी के कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट अभी भी है कि नहीं। एक हिंदी का हमारा होता है, उसमें एकदम बेसिक एकदम शुद्ध हिंदी हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो मतलब बेसिकली यही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई होगी, हिंदी में भी होगी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये पूछा है कि हाउ टू कॉन्टेक्ट होटल फॉर जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पर टर्म यूज ये जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग के लिए होटल को कैसे कॉन्टेक्ट करें। तो सेम वे जैसे आप इंटर्नशिप के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं आपको जॉब ट्रेनिंग के लिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी होटल को डायरेक्ट गूगल के थ्रू जाके वहां पर उसको कॉन्टेक्ट नंबर निकल के कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो कि कैन यू प्लीज कनेक्ट माई कॉल टू द एचआर डिपार्टमेंट, और अच्छा से पूछ सकते हो कि डू हैव एनी वैकेंसी फॉर F&B JT या फिर फ्रंट ऑफिस JT या फिर किचन का JT या फिर गाइस उससे भी ज्यादा इजिएस्ट वे तो आजकल लिंक्डइन है। लिंक्डइन पर इतनी सारी वैकेंसीज आती है, मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी इतनी सारी वैकेंसी शेयर करता हूँ, तो आप लोग लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, वहां पर तो ढेर सारी वैकेंसी निकलती है जॉब ट्रेनिंग के लिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड हैज मोर स्कोप्स, एयरलाइंस और होटल मैनेजमेंट। यानी होटल में ज्यादा स्कोप है या फिर एयरलाइंस में, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को एयरलाइंस में जाने का इंटरेस्ट है और ऐसा लगता है कि अगर एयरलाइंस में जॉब नहीं मिली तो ऐसा बैकअप फिर क्या करेंगे, क्योंकि एयरलाइंस का स्कोप तो लिमिटेड है बट होटल का स्कोप जो है वो उससे ज्यादा है। तो यस इट्स ट्रू, अगर आपका दिमाग में यही क्वेश्चन है तो पहले मैं आपको बता दूं कि होटल का जो स्कोप है वो कंपेरेटिवली एयरलाइन से ज्यादा है, क्योंकि एयरलाइन में जॉब्स का अगर कंपेरिजन कर जाए होटल की जॉब से तो होटल में नंबर ऑफ जॉब्स बहुत सारी है कंपेयरिंग टू एयरलाइन। अगर आप लोगों को एयरलाइन में जाना है तो उसके लिए सिर्फ 12th पास ही मांगते हैं, वो लोग डिग्री भी नहीं मांगते, कोई डिप्लोमा भी नहीं मांगते। अगर आप लोग 12th पास हो, आपके अंदर बाकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। आप लोग जाओ इंटरव्यू दो, अगर आप लोगों को लगता है कि यार इंटरव्यू देके टाइम वेस्ट होगा, कल को ऐसा बैकअप भी मुझे कुछ चाहिए, तो उस केस में आप लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर एयरलाइन का इंटरव्यू नहीं निकला स्टिल यू हैव जॉब्स फॉर रिटेल्स, फॉर QSR, होटल्स, क्रूज और भी अलग अलग फील्ड। एयरलाइंस के लिए ही मान लो, ग्राउंड स्टाफ के लिए तो वो लोग डिग्री मांगते हैं ना, तो ग्राउंड स्टाफ के लिए डिग्री फिर आपको चाहिए होगी, क्योंकि कैबिन क्रू के लिए दे रिक्वायर 12th प्लस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि गलती से फ्लोटिंग कर दिया लेकिन कॉलेज वही चाहिए, अब क्या करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट से आपको कॉलेज ए अलॉट हुआ round 1 में और आपको करना था फ्रीज लेकिन आपने कर दिया फ्लोटिंग और आप पहुंच गए हो round 2 में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज ए ही फिर से मिल जाए। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको कॉलेज ए को सिर्फ number 1 पे रखना है और किसी कॉलेज को रखो ही मत। इसमें एक चीज यहाँ पर बिल्कुल है कि उस कॉलेज में वैकेंसी होनी चाहिए, अगर कॉलेज की सारी वैकेंसी फिल हो जाती है तो वो कॉलेज सेकंड राउंड में आता ही नहीं, लेकिन अगर आपने फिर भी फ्लोटिंग करके आप आओगे तो वो कॉलेज आपको वैसे भी मिलता ही मिलता, तो वो कॉलेज आपका कहीं नहीं गया है। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था आपको सेकंड राउंड में वो कॉलेज फिर से मिल जाएगा, आपको सिर्फ सेकंड राउंड में उस कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा उसको वहां पर फिल करके number 1 पे प्रेफरेंस में उसमें रखना है। अगर उसके प्रेफरेंस के ऊपर कुछ और कॉलेज रख दिया और वो रैंक में आ रहा है तो दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, याद रहे। तो सिर्फ उसी कॉलेज को, जो कॉलेज ए है आपको मिल चुका है, आपको वही दोबारा चाहिए फ्लोटिंग के बाद भी, सिर्फ उसी को ही रख के number 1 पे रख देना, आपको कॉलेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होटल मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। होटल मैनेजमेंट के लिए देखो ऐसा सच कुछ नहीं है, कॉमर्स वाले भी आ सकते हैं, आर्ट्स वाले भी आ सकते हैं, साइंस वाले भी आ सकते हैं, बट मेरा थोड़ा ये मानना है कि होटल मैनेजमेंट थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम लोग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। सो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कॉमर्स स्ट्रीम वाले के लिए थोड़ा ज्यादा ईजी हो सकता है या फिर ये बोलो कि थोड़ा रिलेटेबल हो सकता है, जैसे मेरे लिए तो मुझे रिलेटेबल लगा, तो आई वुड से कि कॉमर्स, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साइंस वाले भी एक्सेल करते हैं, आर्ट्स वाले भी एक्सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी टेक डायरेक्ट एडमिशन इन HM। तो ये आई थिंक इन्होंने जो डायरेक्ट एडमिशन पूछा है शायद इन्होंने HM का पूछा है, गवर्नमेंट कॉलेज का,
क्योंकि प्राइवेट में तो वैसे भी डायरेक्ट एडमिशन होता ही है। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस गवर्नमेंट कॉलेज का डायरेक्ट एडमिशन का ये रहता है कि मान लो अगर काउंसलिंग हो गई, राउंड सारे हो गए, तो अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बची हुई है तो वो लोग फिर डायरेक्ट एडमिशन का वहां पर अपने नोटिस निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन उस केस में निकालेंगे जब उनकी सीट फुल ना हुई हो काउंसलिंग के टाइम पे। ये तो हम लोगों को फोर्थ राउंड के बाद ही पता चलेगा अगर किसी में है तो। बट अगर अभी आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग प्राइवेट में ले सकते हो, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट में तो नहीं निकलने वाला है। और इस बार थोड़ा मुश्किल भी है कि गवर्नमेंट में डायरेक्ट एडमिशन निकले, क्योंकि चार राउंड है, तो चार राउंड तक तो आई थिंक सारी सीटें फुल ही हो जाएंगी। दिस वॉज अबाउट अवर क्यू एंड ए सेशन। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। जो भी नए नए क्वेश्चंस वगैरह हैं प्लीज कमेंट करो, आइडियाज दो, टॉपिक्स बताओ किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर वीडियो बनाए, तो मुझे भी काफी ईजी रहेगा, मुझे भी टॉपिक्स पता चलते रहेंगे। तो कमेंट करना मत भूलना है, ठीक है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।